हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको श्री राधा कृष्ण के अष्ट सखियों के बारे में बता रही हूँ। अपनी पिछली वीडियो राधा कृष्ण सेवा कैसे करें में हमने कहा था कि सेवा में घर के मंदिर में अष्ट सखी फोटो जरूर लगाएं, ताकि मासिक धर्म या किसी भी अन्य परेशानी में सखियाँ अच्छे से श्री राधा कृष्ण की सेवा कर सके। उस वीडियो में हमें बहुत सारे कमेंट आए जिसमें भक्त अष्ट सखियों के बारे में जानना चाहते थे, तो आज आपको इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बताती हूँ। शुरू करते हैं। ब्रज में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा और श्रीधाम वृंदावन में निवास श्री जी राधा रानी की अनुकंपा के बिना संभव नहीं है। योगेश्वर भगवान कृष्ण की सखाओं की भांति श्री राधा रानी की भी अनेक सखियाँ हैं, जिन्हें सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी कहा जाता है। पर इनके अतिरिक्त श्री जी राधा रानी की 8 मुख्य सखियां और हैं, जो अष्ट सखी के नाम से विख्यात है, जिसमें ललिता सखी प्रमुख है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी को ललिता सखी का पुनर्जन्म माना जाता है। अष्ट सखी करती सदा सेवा परम अनन्य, श्री राधा माधव युगल की करनि जीवन धन्य। जिनके चरण सरोज में बारंबार प्रणाम, करुणा कर दे युगल पद अति अभिराम। ये पद ब्रज रत्नाकर से लिया गया है। श्री राधा माधव की लीला में इनकी आयु 14 वर्ष की है। इनकी देह श्री राधा जी की तरह सुंदर, मधुर और सच्चिदानंदमय है। श्री राधा कृष्ण की लीला में ये 8 सखियां हमेशा विद्यमान रहती हैं। ये सखियां हमारे राधा कृष्ण की सेवा में हमेशा लगी रहती हैं और इसी से उन्हें परम आनंद का अनुभव होता है। जिस प्रकार मानव शरीर में हृदय से जुड़ी धमनियां शुद्ध रक्त लेकर पूरे शरीर में फैलाती है, उसी प्रकार ये अष्ट सखियां श्री राधा जी के हृदय सरोवर से प्रेम रस लेकर सर्वत्र प्रेम का विस्तार करती हैं। श्री राधा माधव को सुख पहुंचाना ही इनके जीवन का आधार है। निकुंज लीला में श्री राधा माधव के मधुर मिलन का आयोजन करने वाली ये अष्ट सखियां ही हैं। इनके वाद्यों में वही गीत बजता है जो युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण के दिल में होता है, और श्री राधा माधव के हृदय में गूंजने वाले राग के स्वर इनके वाद्यों से निकलते हैं। अब आपको इन अष्ट सखियों का परिचय देती हूँ। पहली सखी है ललिता जी। ललिता जी गोरे रंग की है, ये मोर पंख की नीली साड़ी पहनती है। ये श्री राधा जी को तांबुल मतलब पान देने की सेवा करती है। इस सेवा से वो बहुत सुंदर, अत्यंत ललित हो गई है, इसीलिए इनका नाम ललिता भी है। ये सखी हर कला में निपुण है। ललिता जी प्यारी जी की परम सखी है। ललिता जी राधा जी को विभिन्न खेल खिलाती हैं, कभी वन विहार, नौका विहार, कभी गेंद खिलाती हैं। ये सखी सबसे चतुर और प्रिय सखी है। ये ऊंचे गांव अटोर पर्वत पे रहती हैं। ये सभी सखियों की गुरु रूपा है। श्री ललिता इंद्र जाल में निपुण है, फूलों की कला में कुशल है। वे श्री राधा माधव की कुंज लीला के लिए फूलों के सुंदर चदोबरे तैयार करती हैं। इनके लिए कहा गया है, इंद्र जाल निपुणा नित करती, परम स्वादु तांबुल प्रदान, कुसुम कला कुशला रचती कल, कुसुम निकेतन कुसुम वितान। ये महाभाव कलकोलनी से लिया गया है। दूसरी हमारी सखी है विशाखा जी। ये सुगंधित चीजों से बने चंदन का लेप लगाती है हमारी राधा प्यारी को। राधा रानी के श्री अंगों में सुंदर पत्रावली मतलब बेल बूटे बनाती है। ये सखी श्री श्यामा जी के नित्य सानिध्य में रहने वाली हमारी राधा रानी की प्रिय सखी है। ये विविध रंगों के वस्त्रों का प्रीति पूर्वक चयन करके प्रियाजू को धारण करवाती है। ये छाया की तरह उनके साथ रहते हुए हमेशा उनके हित की बातें करती है। ये गौरांगी रंग की है, ठाकुर जी को बहुत सुंदर सुंदर चुटकुले सुनाकर हंसाती हैं। विशाखा सखी के अंगों की क्रांति स्वदामिनी है मतलब आकाशीय बिजली की तरह तेज चमकने वाली है। उनकी साड़ी ऐसे झिलमिल करती है मानो आकाश के समस्त तारे उसमें आके सिमट गए हों। ये अजनोक गांव से है। अजनोक गांव की कथा आती है, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर श्री राधा रानी उस समय श्रृंगार कर रही थी, तो वो एक ही नेत्र में अंजन मतलब काजल लगाकर और कान्हा जी की बांसुरी की आवाज़ सुनकर भागी चली आए। तब श्री कृष्ण ने एक काली शिला पर अपनी अंगूठी को रगड़कर किशोरी जी की दूसरी आंख में स्वयं अपने हाथों से काजल लगाया था, इसीलिए इसका नाम अजनोक पड़ गया। इस सखी के लिए कहा गया है,
कपुरादि सुगंध द्रव्य युक्त लेपन करती सुंदर अंग बूटे बेल बनाती रचती चित्र विविध रुचि अंग प्रत्यंग। ये महाभाव भी कलकोलनी से ले गया है। तीसरी हमारी सखी है चित्रा सखी। चित्रा सखी पीली साड़ी पहनती है, प्रिया जी प्रीतम की सेवा में फल शरबत लेकर खड़ी रहती है। संध्या समय में 4 बजे जब प्रिया प्रीतम जी के जगने का समय होता है तो युगल सरकार की सेवा में ये फल शरबत मेवा लेकर आती है। ये श्री राधा जी का वस्त्र आभूषण से सुंदर श्रृंगार करने की सेवा करती है। युगल सरकार की क्षण क्षण की रुचियों को पहचानने वाली चित्रा जी सदा सेवा में संगलित रहती है। ये सखी राधा रानी की अत्यंत मन भक्ति सखी है। ये बरसाने में चिकसोली गांव ब्रह्माचल पर्वत में रहती है। चित्रा सखी के श्री अंगों की क्रांति केसर के समान है। हृदय में सुंदर भावों को लिए ये करुणा से भरी है। चित्रा सखी अनेक प्रकार की सांकेतिक भाषाओं को भी जानती है। इनके लिए कहा गया है, विविध विचित्र वसन आभूषण से करती सुंदर श्रृंगार, करती सांकेतिक अनेक देशों की भाषा का व्यवहार। ये महाभाव भी कलकोलनी से लिया गया है। अगली हमारी सखी है इंदुरेखा सखी। इंदुरेखा जी हरी साड़ी पहनती है, ये श्रृंगार सेवा में गजरे बनाती है, प्रिया प्रीतम को प्रेम कहानियां सुनाती है। ये सखी बड़ी अत्यंत कुशल और बड़ी सूझबूझ वाली है। इंदुरेखा जी प्रतिशन प्रियतम लाल को वशीकरण और मोहन यंत्रों की शिक्षा देती रहती है। इन सखी को चित्रलेखा भी कहते हैं। ये सुनहरा गांव में रहती हैं। ये किसी की भी हस्त रेखा को देखकर बता सकती हैं कि उसका भविष्य क्या है। इनके मुख पर प्रसन्नता की शोभा चंद्रमा से भी बढ़कर है। ये अपने नित्य द्वारा श्री राधा माधव को प्रसन्न करती हैं। ये व्रज की सबसे सुंदर गायन विद्या में निपुण गोपी है। ये रकोली गांव में रहती है। इनके लिए कहा गया है, करती नित्य विचित्र भंगिमा संयुक्त नित नूतन अभिराम, गायन विद्या निपुणा ब्रज की ख्यात गोप सुंदरी ललाम। ये महाभाव भी कलकोलनी से लिया गया है। अगली हमारी है चंपक लता सखी। चंपक लता जी प्रिया प्रीतम के लिए भोजन बनाती हैं। जो भी युगल वर के लिए रुचिकर हो उनकी रुचि के अनुसार ये हमेशा 24 व्यंजन 56 भोग बनाकर रसोई सेवा में लगी रहती है। जब युगलवर सिंहासन पर विराजते हैं तो ये सखी चवर सेवा में खड़ी रहती है। ये सखी ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम करती है। ये करहला गांव अष्टकूट पर्वत में रहती है। चंपक लता सखी के अंगों की आभा चंपक पुष्प जैसी श्वेत है। ये नीलवर्ण की साड़ी पहनती है। ये अपने कर कमलों से रतन निर्मित चंवर डुलाकर हमेशा श्री राधा जी की सेवा करती है। ये द्यूत विद्या के पंडित है और तरह तरह से सुंदर श्रृंगार करने में भी निपुण है। इनके लिए कहा गया है, चाव भरे नित चवर डुलाती अविरत निज कर कमल उदार, दयुत पंडिता विविध कलाओं से करती सुंदर श्रृंगार। ये महाभाव भी कलकोलनी से लिया गया है। अगली हमारी सखी है रंग देवी सखी। रंग देवी जी प्यारी जी की वेणी गूथना श्रृंगार करना और प्यारे जी के नैनों में काजल लगाने की सेवा करती है। रंग देवी सखी गुलाबी साड़ी पहनती है। वैसे तो देखो सखियां तरह तरह के रंगों की साड़ी पहनती हैं, पर जो ये रंग मैं आपको बता रही हूँ ये इनके विशेष रंग होते हैं। ये सखी युगल सरकार के विविध आभूषणों को सावधानी पूर्वक संजो कर रखती है। हृदय में गाढ़ी प्रीति लिए सारे आभूषण सदा सेवा में लिए खड़ी रहती है। ये हमेशा श्री राधा जी के हाथों और चरणों में सुंदर महावर लगाती है। व्रतों व त्योहारों में आस्था रखने वाली अत्यंत सुंदर रंग देवी सखी सभी कलाओं में निपुण है। ये बड़ी कोमल और सुंदर है। इनके अंगों की क्रांति कमल केसर के समान है। ये डभोरा गांव रत्नागिरी पर्वत पे रहती है। डभोरा गांव का मतलब है डभोरा। डभोरा गांव का नाम डभोरा क्यों पड़ा? डभोरा का अर्थ है डब दबाई आंखें या बोर आंखें जिसमें आंसू भरे हो। कहते हैं अत्यधिक प्रेम के कारण श्री राधा जी के विछों में या भगवान श्री कृष्ण के नेत्र भराए थे, इसलिए इस गांव का नाम डभोरा पड़ा। इस सखी के लिए कहा गया है, नित्य लगती रुचिकर चरणों में यावक अतिशाय अभिराम, आस्था अति त्योहार व्रतों में कला कुशल शुचि शोभा राम। ये महाभाव भी कलकोलनी से लिया गया है। अगली हमारी है तिंग विद्या सखी। ये सखी चंदन की लकड़ी के साथ कपूर हो ऐसे महकती है। ये युगल वर के दरबार में नित्य गायन करती है।
ये वीणा बजाने में बहुत चतुर है। ये गौरा माँ पार्वती का अवतार कही जाती है। ये पीले रंग की सुंदर साड़ी धारण करती हैं और अपनी बुद्धिमता के लिए जानी जाती हैं। इन्हें नीति, नाटक आदि सभी विद्याओं का ज्ञाता बताया गया है। ये कमाई गांव से है। इनके लिए कहा गया है, गीत वाद्य से सेवा करती अतिशाय तरस सदा अविराम, नीति नाट्य गंधर्व शास्त्र निपुणा रस आचार्य अभिराम। ये महाभाव भी कलकोलनी से लिया गया है। अब हमारी आठवीं सखी है सुदेवी सखी। सुदेवी जी बसंती रंग की साड़ी पहनती है। ये सखी प्यारी जी के नैनों में काजल लगाती है और प्रिय प्रीतम की नजर उतारती है। श्री राधा के सुंदर वेणी बनाने की कला में निपुण है। ये सबसे छोटी सखी है, बड़ी चतुर और प्रिय सखी। ये ठाकुर जी को पानी पिलाने की सेवा भी करती है। सुदेवी सखी की अंग क्रांति तपाए हुए सोने के समान है। ये सुनहरा गांव अरावली पर्वत से है। इनके लिए कहा गया है, जल निर्मल पावन सुरभित से करती जो सेवा अभिराम, ललित लाडली की जो करती वेणी रचना परम लला। ये महाभाव भी कलकोलनी से ले गया है। ये सभी आठों सखियां हर क्षण प्रिया प्रीतम की सेवा में रहती है, प्यारी जी की आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती है। ये आठों सखियां हर कला में चतुर और निपुण है। प्यारी जी किसी भी सखी को कुछ भी आज्ञा दे देती है। ये सब आठों सखियां हर क्षण प्रिया प्रीतम के मुखमंडल तथा उनके रूप सौंदर्य को देखकर जीती है। प्रिया प्रीतम का श्रीमुख चंद्र देखना ही इनका आहार है, जीवन है। प्यारी जी के अंगों का स्पर्श पाकर सखियां बहुत सुख प्राप्त करती है। हर सखी प्रिया प्रीतम को सुख देने में लगी रहती है। अब एक प्रश्न आता है, क्या सखियां अभी भी हैं? बिल्कुल है, ये राधा कृष्ण सेवा में हमेशा रहती है। कलयुग यानी आज के समय में भी इन सखियों ने अपनी उपस्थिति बताई है। हरिदास जी महाराज को ललिता सखी का ही रूप माना जाता है। मीरा जी के अंतिम समय में एक सखी ने उन्हें श्री राधा कृष्ण लीला के दर्शन करवाए थे। इससे ये पक्का है कि सखियां आज भी हैं। रसिक जनों का मानना है कि निधि वन में जो पेड़ लताएं हैं वो भी सखियां और गोपियां ही हैं, जो राधा कृष्ण लीला में रात के समय रास में आते हैं। क्या आपको पता है कि वृंदावन में एक बहुत सुंदर अष्टसखी मंदिर भी है? श्री वृंदावन धाम में श्री राधा राज बिहारी अष्टसखी मंदिर है। ये मंदिर भगवान कृष्ण के लीला स्थान दिव्य मनोभाव खेल के स्थान पर ये मंदिर है, जहाँ कृष्ण के उन भक्तों के लिए जाना बहुत जरूरी है जो 84 कोस ब्रज परिक्रमा यात्रा को पूरा करते हैं। ये मंदिर सदियों पुराना है और ऐसा माना जाता है कि पहला भारतीय मंदिर है जो इस दिव्य युगल सरकार और अष्टसखियों को समर्पित है। राधा जी की जो 8 सहेलियां कृष्ण के साथ उनकी प्रेम लीला में अंतरंग रूप से शामिल है, इन अष्टसखियों की चर्चा वेद पुराणों और श्रीमद् भागवत के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। इस मंदिर को कहा जाता है श्री राधा राज बिहारी अष्टसखी मंदिर और ये भगवान कृष्ण और राधा रानी की दिव्य रास लीला का स्थान है। ये मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर के बहुत निकट है। श्री राधा राज बिहारी अष्टसखी मंदिर उस स्थान में से एक है जहाँ भगवान कृष्ण अपनी प्रियसी राधा और उनकी सखियों के साथ रास लीला में शामिल होते हैं। बहुत भक्तों ने रात में पायल की आवाज के साथ किसी दिव्य धुन को सुना है। यहाँ पर शिव विग्रह राधा कृष्ण का और 8 सखियों का है, जिनके कपड़े हर दिन मुख्य प्रार्थना से पहले बदले जाते हैं। इनमें से कुछ कपड़े 100 साल पुराने हैं। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही इस मंदिर का नवीनीकरण हुआ है, फिर भी इस मंदिर का अधिकांश हिस्सा वैसा ही है जैसा ये निर्माण के समय था। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।